नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं आपके लिए पॉपुलर गिफ्ट पर एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेकर आया हूं। तो कई किसान साथियों के मन में ये प्रश्न भी रहता है, जैसे अब मई और जून का महीना जो है, आगे बरसातों का महीना आने वाला है, तो किसान साथी सोचते हैं कि अब पॉपुलर का खेत जो है वो खाली पड़ा रहेगा, तो इसमें हम क्या करें क्या ना करें। तो किसान साथियों, आपको इसमें मैं आज ऐसी एक फसल बताऊंगा जिसको आप खाद के बीज में, खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसको पॉपुलर में भी इस समय उगाया जा सकता है। तो किसान साथियों, आप इस समय इसमें जो ढोंचा होता है, जो आपने देखा है, जिसको जीरियों से पहले खाद के रूप में भी बहाकर प्रयोग किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद जिससे बनता है हरी चारा, हरा खाद। तो किसान साथियों, आप भी ढोंचे की जो है पॉपुलर में बुआई कर सकते हैं, और उसको जब बड़ा हो जाए तो उसको हैरो टिलर या रोटावेटर से बहाकर, जैसे भी आप, जिससे भी आप बुआई करते हो, तो उसको खेत की मिट्टी में मिला दे, तो किसान साथियों वो आपका खाद के रूप में कार्य करेगा। तो किसान साथियों, आप इस समय खेतों को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें, इनमें कबाड़ पैदा ना होने दें। आप हरा चारा बोना चाहते हैं तो हरा चारा बो लीजिए, ढोंचा बोना चाहते हैं तो ढोंचा बो लीजिए। और इससे अलग एक फसल, सह फसल जो बोली जाती है वो है लोबिया की, जो कि पॉपुलरों में बहुत अच्छे से होता है लोबिया। या तो आप उसको पशुओं के लिए चारे में प्रयोग कर सकते हैं, या आपको जो हरी खाद बनानी है, जिसको कंपोस्ट खाद भी बोल सकते हैं, आप अपनी तैयार कर सकते हैं, तो उसकी बुआई करें। और उसको जैसा ही वो 2 से 3 फुट तक हो जाए, तो उसको आप या तो पशुओं के लिए चारे में खिला लें, या उसको आप जो है उसकी बुआई कर कर खाद के रूप में प्रयोग करें। तो किसान साथियों, आप मई और जून के महीने में भी खेत को खाली ना छोड़ें, इसको अच्छे से बुआई करें, खेत की सफाई करें पेड़ों की, इनकी जड़ों में खाद डालें, कंपोस्ट खाद डालें, DAP डालें, सुपर डालें, जो भी आपको डालना है तो डालें, इनको खाली मत छोड़ें, जिससे आपकी ज़मीन भी ताकतवर रहेगी, आपका पॉपुलर भी बड़ा अच्छा तैयार होगा। किसान साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं साथियों से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।